खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से अगोपी में तहरीके लंबाई के कारकुनान का एहतजाजी धरना जारी। कारकुनान का मुतालबा है कि हाफिज साद हुसैन रिजवी की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। अगोपी से देखते हैं उमर भट्ट की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट उगोकी में। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीके लबैक के सरबराह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद से मुल्क गिर एहतजाज किए जा रहे हैं। तमाम जो शाहराह हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद की जा चुकी हैं। दाखली और खारजी रास्ते भी बंद किए जा चुके हैं। इस वक्त हम उगोकी में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ कारकुनान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या मुतालबात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। उगोकी में मोड़ पर बहुत बड़ा एहतजाजी धरना इस वक्त कायम और दायम है, और ये इसलिए है कि हुकूमत ने जो तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह से वादा किया था कि हम सफ़ीर को निकाल देंगे, हुकूमत इस मुआहदे से राह फरार इख्तियार कर चुकी है और हमारे कायद साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर रखा है। ये एहतजाज तब तक जारी और सारी रहेगा जब तक मुल्क पाकिस्तान से सफ़ीर को निकाला नहीं जाता और हमारे कायद साद हुसैन रिजवी को रिहा नहीं किया जाता। तब तक ये अजमत रसूल, ये मोहब्बत रसूल में लोग बैठे हैं, ये अपने आका की नामूस के लिए दिन रात यहाँ रहेंगे। इनकी सहरियाँ भी यहाँ होंगी, अफ्तारियाँ भी यहाँ होंगी, नमाज तरावी भी यहाँ होगी और पंच वक्ता नमाज भी हमारी यहीं पर होगी। और तब तक जब तक हमारा मुतालबा मंजूर नहीं किया जाता तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं, यहाँ सारे उमूर सर अंजाम पाएंगे और यहीं पर हम देर रात धरना दिए बैठे रहेंगे। हमें ये बताएं, कल से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब की गिरफ्तारी की गई है, हुकूमत के से क्या मुज़ाकरात तय हुए हैं, क्या हुकूमत कह रही है कि जो आपने मुतालबा किए हैं कि ये सफ़ीर को निकाला जाएगा या नहीं? देखें, ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखल लें और जो तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह का मुतालबा है उसको फिलफौर पूरा करें, ताकि मुल्क में इस वक्त जो इंतिशार है, जो एहतजाज है, हमारे 6 मुजाहिद शहीद शहादत का जाम नोश कर चुके हैं और उसके ज़िमन में हमारे पुलिस वाले भाई भी कुछ ज़ख्मी हो चुके हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क पुरअमन तौर पर हम रहना चाहते हैं, पुरअमन माहौल और पुरअमन मुआशरे में रहना चाहते हैं, लेकिन जब हुकूमत हमारा मुतालबा नहीं मानेगी और हमारा मुतालबा जब तक पूरा नहीं होगा ये एहतजाज तो यूं ही जारी सारी रहेगा। जैसा कि काफ़ी शहरों में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया है, अवाम को शदीद ज़ख्मी किया गया है, क्या यहाँ उगोकी में भी इस तरह पुलिस ने कार्रवाई को की है? उगोकी में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं हुआ। हमारे मुजाहिदीन भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये धरना के मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर अपने आका की नाते पढ़ रहे हैं, हुजूर की नामोस की बात कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ एक पत्ते तक को भी नहीं हरकत दी, ना हिलाया, पुरअमन तौर पर बैठे हैं और पुलिस भी यहाँ उगोकी में हमारे साथ भरपूर तावन कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनका बात सुनी, इनका ये कहना है कि पुलिस भी हमारे साथ पूरा तावन कर रही है और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक इस सफ़ीर को यहाँ से मुल्क दरबदर नहीं किया जाता, तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा और हमारा एहतजाज पुरअमन तरीके से जारी और सारी रहेगा। जी